केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार को राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान एक निजी होटल में उनका पत्रकारों के साथ कार्यक्रम रखा गया था। पत्रकार वार्ता की शुरुआत से पहले बीजेपी ने मंच से एक ऐप अनुराग ठाकुर के माध्यम से लॉन्च किया, जिसका नाम है भूपे। देश में इस्तेमाल होने वाले अनेक यूपीआई ऐप्स की तरह ही इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, मगर इसमें पैसों का लेन देन नहीं होगा। बीजेपी के मुताबिक इस ऐप में एक क्यूआर कोड स्कैनर लगा हुआ है। इसे स्कैन करते ही भूपेश सरकार के तमाम घोटालों की लिस्ट सामने आ जाएगी। इसके अंदर कुछ वीडियोस भी हैं, जिनमें शॉर्ट फिल्म की तरह सरकार के कथित घोटालों की कहानी बताई गई है। ये कांग्रेस सरकार में पढ़ाई ही योग्यता नहीं है बाबू। पीएससी के लिए हमला मंत्री के बेटा हो गया, अधिकारी और नेता मन के बेटा हो गया, फिर मैं तो तोर बेटा हूँ ना बाबू किसान के। इस ऐप के लॉन्चिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर के मुताबिक सरकार जिन 36 वादों के बलबूते सत्ता में आई, उन पर आज प्रदेश की जनता सीएम से जवाब चाहती है। अनुराग ठाकुर ने संविदा, दैनिक वेतन भोगी, विद्या मितान कर्मचारियों का भी जिक्र किया और कहा कि आज ये तमाम संगठन सड़क पर हैं, मगर सरकार किसी की सुध नहीं ले रही। इसके अलावा शराब घोटाला, गौठान घोटाला, सीजीपीएससी घोटाला, कोयला घोटाला उनके संबोधन के प्रमुख केंद्र रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गंगा जल की सौगंध खाकर शराब की नदियां बहाने का काम करते, शराब घोटाले करते हैं। कितने का? अरे दिल्ली वालों ने 100-150 करोड़ का किया तो जेल में है, या तो 2000 करोड़ से कर ज्यादा हो। इनका स्थान भी कहाँ होगा ये सबको पता है। रोजगार तो दिया नहीं, बेरोजगार बनाया। फिर बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया था तो 30 महीने होने जा रहे हैं, वो वायदा भी पूरा नहीं किया। 39,000 के लगभग बच्चों की मौत हो गई जनजातीय क्षेत्र की। फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं तो भूपे का लिंक शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो बने हैं ये पोल खोल की है कांग्रेस की सरकार की, जो भ्रष्टाचार से भरी। वहीं अनुराग ठाकुर के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश ने कहा कि बोलना तो अनुराग ठाकुर को अडानी के संबंध में भी था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने जब सदन में अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई थी तब उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन अब अनुराग ठाकुर इस पर भी खामोश हैं। भाई ऐसा है, अडानी को लूट लूट के जो दिए हैं, हमने तो रोका छत्तीसगढ़ में, अभी एक खदान उसके बंद हुई, जो 13 नंबर के बैलाडीला के जो लोहा खदान है उसको निरस्त कराया। तो थोड़ा अडानी को कितना लुटाएं उसके बारे में भी अनुराग ठाकुर जी बोल दे, उसमें हिम्मत है तो एक बार तो बोले। राहुल जी जो सवाल पूछे हैं, 20,000 करोड़ रुपया गया है वो कहाँ से गया, कैसे गया, वो तो केवल एक फोटो दिखाया, उसकी सदस्यता निरस्त हो गई थी। अनुराग ठाकुर में हिम्मत है, थोड़ा अडानी के बारे में बोल के बताएं। बहरहाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रदेश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया है, जिस पर जवाब देते हुए खुद पीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति चुनावी साल में और भी ज्यादा आगे बढ़ने के आसार हैं। TV24 के लिए रायपुर से अमित शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा उस चुनावी अहम मुद्दे पर आधारित है जिसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है और बीजेपी चाहती है कि इसी मुद्दे पर चुनाव हो। जी हाँ, वो मुद्दा है भ्रष्टाचार पे आर पार। पिछली बार जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस पर भी भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे वो एक अहम चुनावी मुद्दा बना था। तो इस बार बीजेपी की कोशिश है कि इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाया जाए और कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। इसीलिए चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी काफी तैयारी के साथ मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। उसका डिजिटल जो अभियान है, कैंपेनिंग है, वो आज से शुरू हो गई और उसे शुरू करने के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ऐसे में इस मुद्दे का छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा, इसका कितना जो है जनता में असर है, इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गलवानी जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं राहुल टिकरिया जी, बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में गंगेश द्विवेदी जी हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है, चर्चा शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि सरकार की छवि, क्योंकि
एक ऐसी बनी हुई है जिसे डेंट करने की जरूरत है, इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच में है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में यही फार्मूला कांग्रेस ने अपनाया, सरकार बनाई, तो अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर, इस फार्मूले को लेकर जनता के बीच है। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले राहुल टिकरिया जी के पास चलते हैं। राहुल जी, अब अचानक से आप लोगों को भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे याद आ रहे हैं, पहले आप लोग इसमें शांत थे, लगातार इसमें चुप्पी थी, कोई बड़ा घोटाले जैसा मामला उजागर बीजेपी की ओर से हो ऐसा नहीं दिखाई दिया था, अब अचानक से इस मुद्दे की गूंज दिखाई दे रही है, क्या चुनाव करीब है इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग? नमस्कार मोहन भैया। देखिए मोहन भैया, ये बिल्कुल गलत है कि भ्रष्टाचार का जो विषय है वो हम अचानक से उठा रहे हैं, चुनाव पास आने पर उठा रहे हैं। करीब 2 सालों से इनके भ्रष्टाचार के मामले सामने हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से ईडी की कार्रवाई और इनकी गिरफ्तारी न्यायपालिका के द्वारा रिमांड बढ़ा रहे थे, ये समझ में आ गया कि कितने बड़े घोटाले हैं। आप देखिए मुख्य प्रारंभ कहां से होता है, मुख्यमंत्री जी के उप सचिव सौम्य चौरसिया जी कोल घोटाले में अंदर होती है और उस पर मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस की टीम है वो सड़कों पर आंदोलन करने उतर जाती है कि गलत कार्रवाई की जा रही है और इनको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि न्यायपालिका ने रिमांड दिया और आज तक वो जेल में है और न्यायपालिका ही जेल में उनको डाल के रखी है, उनका रिमांड लगातार बढ़ा रही है। उसके अलावा इस सरकार के कई कलेक्टर जेल में है। आप आगे बढ़िए, अनुराग सिंह ठाकुर जी ने आज स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है शराबबंदी के लिए गंगा जल की कश्मे खाकर गली गली शराब के नदियां बहाती है और गली गली शराब की बिक्री करवाती है, ये स्पष्ट है। इन्होंने शराब के लिए शराबबंदी का वादा किया और प्रदेश भर की 95 लाख मात्र शक्तियों के साथ में एक बड़ा छलावा किया। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो शिक्षा के किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया, पीएससी का मामला हो, व्यापम का मामला हो, वन आरक्षक के मामले में तो देखिए यहाँ जो सबसे तेज दौड़ता है, जो एक सबसे प्रथम स्थान पे आता है वो उसेन बोल्ट से भी 10 सेकंड आगे दौड़ जाता है। मतलब यहाँ के सेटिंग करने वाले अधिकारियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी ध्यान नहीं होता। आगे आप बढ़ जाएं, रेत का घोटाला, सीमेंट का घोटाला, चाहे गरीब के राशन का घोटाला जिसे मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कोरोना काल में प्रत्येक परिवारों के लिए अब तक वो निःशुल्क चावल चल रहा है, मगर ये आरोप नहीं है। जो अंतिम सत्र रहा मानसून सत्र, उसमें कैग की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1,67,00,000 परिवारों को केंद्र सरकार की जो राशन है, चावल योजना है, पीडीएस सिस्टम है, वो नहीं पहुंच पाया। ये लगभग 600 करोड़ का आंकड़ा उसका बताया गया। इतने बड़े बड़े घोटाले ये सरकार करके बैठी हुई है और उसके बाद ये हर बार अपने जो घोटाले करने वाले अधिकारी हैं या अपने उप सचिव हैं उनको बचाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करते हैं, ईडी कार्यालय का घेराव करते हैं। अरे भैया भ्रष्टाचार किए हो, स्पष्ट है, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, अगर आप सही होंगे तो न्यायपालिका आपको छोड़ देगी। रवि जी, ये मुद्दा आप लोगों के पीछा नहीं छोड़ रहा है, अब चुनाव है तो इस मुद्दे की गूंज तो उठेगी और ये जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों की ओर से क्या होगा जवाबी हमला? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, बौखला गई है, वो ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है जो उसको लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं से नैया पार लगा देंगे। लेकिन मैं एक एक करके बातों पर आना चाहूंगा। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये बता दें जब इनकी सरकार थी तब पनामा घोटाला हुआ था, पनामा पेपर्स वो इंडिया में तो नहीं निकले थे, पनामा पेपर्स लीक हुए थे बाहर, वहां पे रमन सिंह जी और उनके रिश्तेदारों का नाम आया था, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती है, कोई भी उनकी चू तक नहीं निकलती है। नान घोटाले के बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उनको लगता है अगर वो नान की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उंगली जो है रमन सिंह जी के ऊपर निकलेगी। गौशालाओं के ऊपर तक घोटाला किया था इन्होंने, ये गौ माता की बात करते हैं, गौशाला में जो चारा जाता है उस पर इन्होंने घोटाला किया, उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। अब मैं बात करता हूं हमारी सरकार की। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं दिख रहा है कि आज 40 लाख से ज्यादा गरीब हमारे प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इन्हें यह नहीं दिख रहा है कि 5 लाख बच्चे कुपोषित थे जब इनकी सरकार थी, वो कुपोषण से बाहर आए हैं। इन्हें यह नहीं दिख रहा है कि जो हमारे बस्तर में लोग रह रहे हैं आदिवासी भाई बहन, वो मुख्य धारा में आ गए हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वहां पर की खेती व्यवस्था इंप्रूव हुई है, वो भी इनको नहीं दिख रहा है। आज ये बात कर रहे हैं गंगा जल की। देखिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मोहन जी कि गंगा जल की कसम हमने खाई थी और हमने कहा था हम किसानों का ऋण माफ करेंगे और आप देखिए 24 घंटे भी नहीं हुए थे भूपेश बघेल जी जैसे मुख्यमंत्री बने, तुरंत किसानों का ऋण माफ हुआ। उस हमने जो बातें कही वो हम किए हैं। अरे आप अपनी बात कर लीजिए, आपने कहा था 300 रुपए बोनस देंगे,
आज तक तो आपने बोनस दिया नहीं। आपने कहा था 2100 रुपए में धान खरीदेंगे, आपने कोई धान नहीं खरीदा। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने किसानों के बारे में कभी बात की? इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने बनवाए, हम भविष्य देख रहे हैं कि जब बच्चे जो है अभी क्लास 1, 2, 3, 4 में पढ़ रहे हैं, जो 12वीं तक जाएंगे उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे, तो एजुकेशन सिस्टम को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हम नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना लेकर के आए। मैं बताना चाहूंगा मोहन जी, इस योजना से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो बात कर रही है जिसमें इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं 15 की 16 सीटें हो जाएंगी, लेकिन जनता जानती है विकास अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये कितने भी प्रयास कर ले, कितना भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पे चले जाए, लेकिन जनता के दिलों में भूपेश बघेल जी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ भी कर ले, भ्रष्टाचार का मुद्दा छत्तीसगढ़ में नहीं बन रहा है। लेकिन क्या कहना है, विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है गंगेश द्विवेदी जी, उनसे समझते हैं। गंगेश जी, अब तक इस तरीके के भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे की गूंज नहीं थी। किसान की बात होती थी, किसानों से जुड़े हुए मुद्दों की बात होती थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर बीजेपी सामने है। उसे लगता है कि इस मुद्दे पर हमें समर्थन मिल सकता है। आपका क्या कहना है? आवाज साफ नहीं आ रही। ठीक है, एक बार रिपीट करिए जी। हम ये जानना चाह रहे थे, इस मुद्दे को बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ये लगता है कि भ्रष्टाचार उनका अहम मुद्दा होगा जिसको लेकर वो आगे जाएंगे चुनाव में। देखिए, जिस तरह से अभी पीएससी के मामले उजागर हुए हैं, उसकी कापियां जिस तरह से बटी हैं पूरे प्रदेश में, और बहुत सारे भाजपा के अलग अलग विंग ने उसको ट्वीट किया है, तो एक ये बड़ा मसला यूथ के बीच तो निश्चित तौर पर फैलाने के में कामयाब हुई है, और कहीं ना कहीं यूथ वोट जो वोटर्स हैं वो निश्चित तौर पर इस मुद्दे से प्रभावित होंगे, क्योंकि वो लोग बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में अभी नौकरियां निकली हैं, और नौकरियों में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असंतोष है युवाओं के मन में, तो खासतौर पर बिलासपुर में रहकर बार बार से आके कोचिंग करके तैयारियां कर रहे थे लंबे समय से, पीएससी का रिजल्ट उनके लिए बहुत निराशाजनक रहा, उसका सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई उसमें भी बाद में पता ये चला कि व्यापम की भर्ती थी, लेकिन उसको रातों रात गृह विभाग ने अपने पास बुला लिया, तो वहां से लोगों के मन में नहीं आशंका पैदा हुई। उसका बहुत सारे उसमें भी बच्चों ने तथ्य पेश किए, लगातार ट्विटर और फेसबुक में इस तरह की चीजें तैर रही हैं, तो ये जो है निश्चित तौर पर यूथ विंग को खासतौर पर ये परीक्षा हुए भ्रष्टाचार का मसला तो प्रभावित करेगा। इसके अलावा जो ईडी और इसके छापे हैं इसको लेकर बहुत ज्यादा मुझे लगता है इसलिए नहीं, क्योंकि इसको सामान्य तौर पर यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है, और केंद्र सरकार की कार्रवाई को लेकर यह माना जा रहा है कि पॉलिटिकल कार्रवाई ज्यादा है ईडी और उसकी जो कार्रवाई जो है बजाय भ्रष्टाचार के, ये एक तरह से केवल चूंकि खास बात यह कि चूंकि गैर भाजपाई राज्यों में ही छापे पड़ रहे हैं, ये जो संदेश जनता के बीच चला गया है, तो ईडी की जो कार्रवाई है और आईटी की कार्रवाई बहुत ज्यादा असर डालने वाली नहीं, लेकिन ये परीक्षाओं वाली जो है भ्रष्टाचार ये निश्चित तौर पर नई पीढ़ी में असर डालेगा। अपन देखिए कल जो घोषणा हुई है, अंतिम प्रकाशन हुआ, 18.38 लाख यूथ नए यूथ वोटर्स हैं जो इस बार वोट करेंगे, ये उनके लिए वो और उनकी एज लिमिट है 18 से 22 साल के बच्चे, ये उन बच्चों के लिए निश्चित तौर पर ये जो भ्रष्टाचार का ये मसला है ये उन पे असर डालेगा निश्चित तौर से, कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, तो मिला जुला असर हो सकता है, इस मुद्दे को जरूर उठाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही होगी, नए तरीके से उठाने की कोशिश है, और हम डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करने की बात भी हो रही है, लेकिन असर के मामले में क्योंकि ये भी लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाइयां हो रही है। राहुल जी, ऐसे में आप लोगों का जो आरोप है, जो आप लोग ये पूरा एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ध्वस्त हो जाएगा। जनता तो स्वीकार ही नहीं कर रही है कि भाई किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आप लोग इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहे हैं। मोहन जी, स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी कार्रवाई हो रही है, मैंने बताया सिर्फ आरोप नहीं है, आप देखिए राशन घोटाले का मामला हो, इन्हीं के सदन में कैग के रिपोर्ट ने इनकी पोल खोल दी। आगे बढ़ेंगे, पीएससी 2 महीने तक करते रहे, 2 से 3 महीने तक करते रहे कि आरोप नहीं,
अरे थोड़ा सा बता दो उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बारे में। हम अरे छत्तीसगढ़ राहुल जी सरकार में पनामा के बारे काला में घोटाला कुछ करके बोल बैठे दो। हम और भारतीय जनता पार्टी, मगर मैं बता दूं अरे कि उन्होंने राहुल जी पनामा पेपर्स पर भी कुछ बोल दो ना। केंद्र सरकार के दुरुपयोग किया गया है, गौठानों में गौ माता भूख के मारे मर रही है, प्यास में मर रही है। अरे एक गौठान बता दो ऐसा जहाँ हो रहा है, एक गौठान बताओ, एक गोठान बताओ ऐसा कहाँ हो रहा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को मोहन जी इनसे पूछिए कौन सी गोठान में हो रहा है, आप इनसे पूछिए कौन सी गोठान में क्या हो रहा है, गोठान में बताएं थोड़ा। अरे कौन सा परीक्षा छोड़ दिया आपने, और तो और पीएससी की भूख देखो, पहले पीएससी जहाँ पर ब्यूरो के बताइए राहुल जी कौन से गोठान में हो रहा है। सीधा सीधा मोहन जी मेरे को बोलने का मौका है, चपरासियों का भी इंटरव्यू लिया जा रहा है। तीन चार सवाल मेन मेन पूछ लीजिए राहुल जी, कोई बड़ा घोटाला बता दीजिए जिसका जवाब देंगे फिर रवि जी। अरे नियुक्तियां में गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, वो कुछ बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि चौतरफा विकास। आज मुझे ये बताएं 15 वर्ष इनकी सरकार थी, भगवान राम मन के ऊपर राम के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं किया इन्होंने, सड़क नहीं बनाई, पुल नहीं बनाया गया इन्होंने, ये बताएं ना। आज प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि माँ कौशल्या की नगरी है छत्तीसगढ़, इस बात को पूरे देश और विदेश में फैलाने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। 15 वर्ष तक बीजेपी की सरकार रही, भगवान राम के नाम पे सिर्फ वोट मांगते रहे लेकिन भगवान राम की सेवा नहीं किए। असली सेवक तो भूपेश बघेल जी है, जो भगवान राम जहां जहां से निकले, जहां जहां उनके पद चिन्ह पड़े, उस पूरे रास्ते का जीर्णोद्धार हो रहा है। हर जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं, हर जगह की जो है ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण किया जा रहा है। क्या किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। बस्तर में इतना नक्सलवाद फैला दिया कि वहां के आदिवासी भाई बहन डर गए थे, घरों में छिप गए थे, वो बाहर आने का काम अगर कभी हुआ तो हमारी सरकार के समय में हुआ है। क्या विकास की बात करेंगे, नई राजधानी बना दिए, खंडर बना दिए थे, आज वहां पर होलसेल कॉरिडोर की स्थापना हमने की, व्यापारियों के लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे शहर का व्यापार फले फूले, पूरे देश में व्यापारी वर्ग में एक उत्साह हो गया है कि 1100 एकड़ का होलसेल कॉरिडोर रायपुर में बनने जा रहा है। क्या ये छोटी बात है, क्या किया इन्होंने बताएं तो सही। 15 वर्ष इनकी सरकार रही, एक एक अच्छी चीज बता दे रही है होंगे, कुछ नहीं किए। 5 साल 15 साल राहुल टिकरिया जी जल्दी बता दिए, कई सवाल पूछे जा रहे हैं, आप लोग ने क्या किया। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या किया, मैं बता दूं शिक्षा नीति में हमने क्या बात किया, तो बता दो आपने क्या किया वो बताओ। अरे बताओ आपने क्या किया 15 वर्षों में, मोदी पूछिए ना इनसे 15 वर्षों में क्या किया, क्या किए ये बताएं, 15 वर्षों में इन्होंने क्या किया, एक एक ऐसी योजना बताएं जो 15 वर्ष में इन्होंने लाई। हमारे पास तो योजना है, योजना बनाने के लिए किसानों का ऋण माफ हमने किया, 2500 रुपए में धान खरीदी हमने की, इन्होंने क्या किया, बिजली में लाभ हमने किया, 40,000 करोड़ विकास के कार्य तो गिना दो। 4 साल में 1000 करोड़ का कर्ज लिया राहुल और जी, को कर्जे की बात कर रहे हो, अरे राहुल ने जी आज मुझे बताइए मध्य प्रदेश का कितना कर्जा है, छत्तीसगढ़ आप बताइए ना, आप बताइए केंद्र सरकार का कर्जा पता है आपको कितना है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप बताइए। ठीक है चलिए चलिए आएंगे आएंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार और आएंगे, अभी विकास के मुद्दे पर सवाल का जवाब राहुल जी ने देने की कोशिश की है। गंगेश जी ये मुद्दे पर तो कई बार बहस हो गई कि विकास किसने ज्यादा किया, कौन किसका हितैषी है, किसानों की जेब में डायरेक्ट पैसा डालने का काम कांग्रेस ने किया, बीजेपी का पैटर्न विकास का अलग था, लेकिन भ्रष्टाचार का जो मुद्दा, इसकी स्वीकारिता कितनी देखते हैं प्रदेश में, क्या इस मुद्दे पर वोटिंग होगी, इसको स्वीकार करेगी क्या जनता छत्तीसगढ़ की। पहले विकास खोजने की बात कही, उसके बाद भूपेश बघेल जी ने कहा है कि लगभग उन्होंने 24,000 करोड़ से अधिक की राशि यहाँ के सड़कों और यहाँ की व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े मजबूत करने में पिछले एक साल में खर्च की है, और इसके पहले भी लगातार कोरोना के बाद, हालांकि कोरोना का 2 साल निश्चित तौर पर गैप हो रहा था, ये कोरोना के बाद निश्चित तौर पर विकास कार्यों में भी इस सरकार ने खर्च किया है, लेकिन
सामान्य तौर पर यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की अभी वर्तमान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ज्यादा खर्च किया है। ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भूपेश बघेल जी ने धान खरीदी जो 2500 रुपए क्विंटल से शुरू की थी वह बढ़ के 2800 रुपए से ऊपर चली गई है, और उसके अलावा गौमूत्र खरीदी, गोबर खरीदी, इस तरह से और भी कई योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली जो रही वो ग्रामीण मतदाताओं को या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निश्चित तौर पर बहुत फायदा पहुंचाई है, और उससे कहीं ना कहीं शहर की इकोनॉमी भी रन की है। तो इस तरह से, लेकिन हाँ ये है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा के 15 साल में डेवलप हुए थे, जिस तरह से सड़कें बनी थी, उस तरह से अभी उतनी उस तरह का विकास निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अभी नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी बन रही सड़कें, बहुत सारी सड़कों पर पैच वर्क चल रहा है, मतलब जो बनी थी सड़कें उनके मेंटेनेंस में ज्यादा खर्च हो रहा है। अब रायपुर शहर की बात देखो तो पूरा शहर खुद गया है, उसको मेंटेन करना कठिन हो गया है। अब वो कब तक कर पाएंगे इसको भी देखना, आचार संहिता लग जाएगी तो फिर वो अटक ना जाए फाइल, तो इस तरह की चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर विकास को लेकर जो कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात है उसमें कांग्रेस कहीं कहीं पिछड़ती नजर आती है, इसके बनस्बत भाजपा ने ज्यादा काम किया ऐसा दिखता है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मामले में या ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भूपेश बघेल ज्यादा सक्रिय और आगे हैं। ऐसे में जो डेंट है वो भ्रष्टाचार के मुद्दों से लग सकता है क्या? उनकी जो छवि बनी है उसे तोड़ने के लिए ये भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? जी भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने के पीछे वजह क्या देखते हैं? क्या वो छवि को तोड़ना चाहते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के पीछे उठाने का मेन मकसद ये है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार हमला कर रहे हैं कि वो उनका कहना ये कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से जो प्रदर्शन पिछली बार रहा ऐसा ना हो प्रदर्शन दोहरा दे या भाजपा फिर से अपना उतना अच्छा प्रदर्शन न कर पाए, तो एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा के कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का प्रयास है ये भाजपा का, और इसमें कितने सफल हो पाते हैं इसको ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है, जी इसका असर कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चुनौती तो है कांग्रेस के लिए। इस तरीके के मुद्दे घूम घूम कर आएंगे, लोगों को ये क्लिक तो करता है कि भाई आखिर क्या हो क्या रहा है, क्या जवाब है कांग्रेस का? देखिए मोहन जी, चुनौतियां तो हर व्यक्ति के लिए होती है, क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में कि देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। हम जो कर रहे हैं और चीजें बेहतर कर सकते हैं, हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, उसकी जमीन। इंसान चाहता है कि जो जमीन है वो उसको बचाए रखे, और हमने वही काम किया। किसान के लिए जमीन यानी जिस पर वो उपज कर रहा है, हमने उसकी उपज पर ध्यान दिया, हमने उसको उपज के पैसे दिए। दूसरा होता है उसके घर के परिवार, उसके बच्चे। आज बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, ये विकास की बात कर रहे थे। सारे के सारे पुराने स्कूल्स थे उन जो थे उनकी बिल्डिंगें जर्जर हो गई थी, उन बिल्डिंगों को ठीक करा के आज के आधुनिक जमाने के हिसाब से उसमें काम हमने किया है। ये दो चीज होती है। तीसरा, इंसान चाहता है कल्चर, वो जहां रह रहा है, तीज त्योहार। आज छत्तीसगढ़ी बात हो रही है, आज छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों की बात हो रही है। 15 वर्षों में बताए रमन सिंह जी या उनके बीजेपी के लोग कब गेड़ी चढ़े, कब भौरा खेले, क्या कभी उन लोगों ने छत्तीसगढ़ी गीत की बात की? इतने वर्षों से मांगती कि छत्तीसगढ़ी गीत दिया जाए, कभी नहीं दिया। आज बोरेबासी की बात देश और विदेश में हो रही है, क्यों? क्योंकि कल्चर, जो हमारा मूल है, जो हमारी पहचान है, उसको सामने लाने का काम हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने पर्दा लगा हुआ है। आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है वो इनके कामों के जो बड़े बड़े पिल्लर हैं उससे ढक रहा है। क्या किया है वो गिना दिया रवि जी ने। ऐसे में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा क्लिक कहाँ कर पाएगा, जिसको लेकर अभी भी संशय है कि ये सही है कि नहीं। आरोपों के तीर है, हवा में है ये सारे आरोप। मोहन जी, जितने भी परीक्षार्थी हैं वो देख रहे हैं कि इनके परीक्षाओं में कितने घोटाले हैं, उनको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के बीच से आवाज उठ के आ रही है। और कांग्रेस के प्रवक्ता जी भी कह रहे हैं, घोटालों में थोड़ा सा बता दो, कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार थी, उखाड़ फेंकी वहां की जनता, उस पर बात कर लो। वही वही फार्मूला ला रहे हैं, कर्नाटक वाला फार्मूला यहाँ लगा दिया। कि किसानों के मुद्दे की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बता दूं, आपने 2 साल के बोनस का बात किया। अरे बोनस का वादा किसने किया था बताओ तो। अरे राहुल जी बस इतना बता दो, बोनस देने का वादा शुरुआत में किसने किया था? बीजेपी ने किया था कि नहीं? अरे राहुल जी बस इतना, मोहन जी इनसे पूछिए इन्होंने वादा किया था कि नहीं, इनसे बस राहुल जी वादा आपका पूरा ये करेंगे। ये कैसा, ये कैसी बात हुई?
और किसानों से लूट की जा रही है, किसानों को 50,000 और 1 लाख रुपए तक के अरे बिल भेजे क्या जा रहे लूट हैं। रहे हैं, आपने अटल ज्योति को अरे क्या ये लूट किया रहे है कि हैं किसानों किसानों से, का किसानों को तो धन देने का काम हो किए। आपके समय में 12 लाख किसान थे, आज 25 लाख किसान है, क्या लूट रहे हैं? उसके नाम पे सब मन घड़ंत हवाई बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरी तरीके से मन घड़ंत और हवाई बातें कर रही है बीजेपी। बताइए तो सही आपने कि किसान का क्या नुकसान हुआ, क्या लूटे बताओ मोहन जी, पूछिए तो सही। बातें इनके पूरे हम करें, ये कैसा है पूछिए। समझ रहे हैं, और जितना आपने अंतर की राशि दिया है उससे ज्यादा तो अंतर की राशि केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया अपने समर्थन मूल्य में, तो किसानों किसान सब समझ रहे हैं कि आप किस प्रकार से खाद या वर्मी कंपोस्ट के नाम में किसानों से लूट कर रहे हैं। 30 सेकंड जल्दी जल्दी, 2018 के पहले बीजेपी की ही सरकार थी, मोदी जी ही उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तब तो पैसा नहीं दिए, क्यों नहीं दिए भैया? तब आपने 300 रुपए बोनस क्यों नहीं दिया? अगर आप इतना ही सीना ठोक रहे हो कि केंद्र पैसा दे रहा है, केंद्र पैसा दे रहा है, तो उस समय जब आपकी सरकार थी तो बोनस क्यों नहीं दिए? 2100 रुपए किसानों को वादा किए थे बीजेपी की सरकार स्टेट में, बीजेपी की केंद्र में क्यों नहीं दिए? मैं बताता हूं मोहन जी, इच्छा शक्ति नहीं थी, नियत नहीं थी, इनको लगा झूठे वादे कर देंगे सत्ता में बैठ जाएंगे, लेकिन ये जनता भगवान है, सब जानती है, सब देख रही है, जब जनता का वक्त आया तो दिखा दी। 4.5 वर्षों में कितनी तकलीफें हमको केंद्र सरकार ने दी, उसके बाद भी हमने वादे पूरे किए। भ्रष्टाचार को कैसे आप लोग करेंगे, काट क्या है इसकी, ये आरोप लगेंगे कीचड़ के, आपके दामन में कीचड़ के दाग है, कैसे इसके दूर करेंगे? मोहन जी मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ जी जी मोहन जी, एक बात बताइए, घोटालों की ये बात कर रहे हैं, एक भी घोटाला साबित नहीं हुआ है, ईडी की इतनी रेडें 4 साल से पड़ रही है, एक भी रेड में एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है, आंकड़े उठा लीजिए, 1% से कम साबित होता है, ये सारी की सारी रेड, ये सारी की सारी चीजें, इनकी जो है पॉलिटिकल जेल में रखा है, जाहिर सी बात है घोटाले हुए हैं, चार हुए हैं, उन पर भी अगर आपको चलिए अभी इंतजार करना होगा, ये फिलहाल आरोप है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, ऐसे में भ्रष्टाचार का मुद्दा चाहे रहे ना रहे हर बार चुनाव में केंद्रित मुद्दा बनता है, तो वही कुछ बीजेपी कर रही है, इसका कितना फायदा होगा ये समय बताएगा, फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा यही खत्म करते हैं। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ रवि गवलानी जी थे उनका धन्यवाद, और गंगेश जी ने अपना समय दिया उनका भी बहुत धन्यवाद, तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24, रखिए अपना बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।